गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है, ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो डेमोक्रेसी का तो आपको पता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। जैसे डेमोक्रेसी में हमने पावर शेयरिंग करा कि जैसे उसमें लिंग्विस्टिक और रीजनल जो डिफरेंसेस थी या डाइवर्सिटी थी उनको कैसे साथ लेके जो है हमने पावर शेयरिंग जो है वो की जाती है। डेमोक्रेसी जो है वो आपको पता है कि डेमोक्रेसी में आप लोगों का शासन है, लोगों द्वारा शासन है, लोगों के लिए बनाया गया शासन है ये, ठीक है, जिसमें कि है कि लोग जो है वो प्रायोरिटी हैं, ठीक है ना। अब देखो डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी क्या होता है, जिसमें एक ही जगह में रहने वाले तरह तरह के लोग होते हैं, उनकी आइडेंटिटी अलग है, उनकी जो है फिजिकल जो फीचर्स हैं वो अलग है, उनकी क्लास अलग है, रिलीजन अलग है, उनके सेक्स अलग है, कास्ट अलग है, और डिफरेंट डिफरेंट जो जैसे कबीले होते हैं उस तरह के, उसके बेस पे जो है अपने आप को क्या करते हैं वो अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हम इसी में सोशल डिफरेंसेस जो है और इसके जो डिविजन्स हैं, ठीक है, और इनकी जो है जो इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है, उसके बीच में जो है कोऑर्डिनेशन को कैसे करके जो है हम यूनिवर्सल जो है उसकी सॉल्यूशन करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे जो सोशल डिवीज़न है उसमें जो पब्लिक इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना, जैसे उसका एग्जांपल जो है हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे जो है हमारे की सोशल डिफरेंसेस जो है कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो फॉर्म जो है वो ले लेती हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स कैसे जो है वो एक दूसरों को प्रभावित करती है, सोशल जो आपकी विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। अब जो है इसमें हम पढ़ेंगे ये जो मेक्सिको ओलंपिक था उसकी स्टोरी की, क्या स्टोरी थी उसकी, ठीक है। तो आपने इस पेज पे ये जो पिक्चर लगी हुई है, ठीक है, इसमें देखते हैं कि सिविल जो राइट मूवमेंट था एक बहुत मेन एक यानी कि घटना थी जिससे संबंधित है ये। 1968 में मेक्सिको जो सिटी था उसमें जो है ओलंपिक जो कंपटीशन होते हैं उसकी 200 मीटर की जो दौड़ हुई थी, ठीक है, उसमें जो है जो ये एक समारोह हुआ था उसकी तस्वीर है ये, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रगान जो है वो बज रहा था, सिर झुकाए लोग खड़े थे, मुट्ठी ताने हुए, जो दो खिलाड़ी जो आपको दिखाई दे रहे हैं खड़े हुए हैं वे अमेरिकी जो रनर्स होते हैं टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलर्स, ठीक है, ये दोनों ये एफ्रो अमेरिकी हैं, और इसमें जो है दोनों ने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता हुआ है, ठीक है। उन्होंने जूते नहीं पहने थे, देख रहे हैं आपको, फिर सिर्फ क्या डाले हुए, उन्होंने सॉक्स डाली हुई हैं, ठीक है, ठीके? और उसमें जो है उन्होंने क्या करा हुआ है, मौजे सिर्फ सॉक्स डाली हुई हैं, और वो पुरस्कार अपना जो अपना उनको प्राइज मिला हुआ है उसको लेने के लिए दोनों ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकी जो अश्वेत यानी कि काले जो सॉरी हाँ काले लोग हैं, ठीक है ना, जो श्वेत नहीं है, जो अमेरिकी काले लोग हैं वो गरीब हैं। अमेरिका में दो तरह के लोग हैं, एक काले हैं गोरे हैं, ठीक है, तो जो अश्वेत लोग हैं वो कैसे हैं, गरीब हैं। स्मिथ जो है अपने गले में एक काला मफलर जो है वो डाला हुआ है, ठीक है ना, काला मफलर जैसा परिधान जो है वो उसके गले में दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो वो जो है अश्वेत लोगों के आत्म गौरव का यानी कि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट का जो है एक साइन है, ठीक है, और कॉल्स ने मारे गए जो अश्वेत लोग थे उनकी याद में काले मनकों की एक माला पहनी हुई है, ठीक है। तो उनको उन्होंने ये जो मतलब ये चीज़ें डाली हुई हैं, एक ने मफलर डाला हुआ है और एक ने काले मोती डाले हुए हैं, माला डाली हुई है, वो एक साइन है, ठीक है। उन्होंने अमेरिका में होने वाले जो यानी कि कलर को लेके, रंग भेद को जो लेके जो है काले गोरे को लेके जो इंटरनेशनल एक बीच में गैप खींचने की कोशिश की हुई है, ठीक है। काले दस्ताने, उन्होंने बंधी हुई मुठियाँ यानी कि मुठियों को बंद करा हुआ है, ये जो काले उसमें जो पावर्स हैं उसका क्या है, ये साइन है। और ब्रॉन्ज पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया धावक जो है पीटर नामक नॉर्मन ने पुरस्कार जो ये समारोह हुआ उसमें अपनी जो जर्सी डाली हुई थी उसमें जो है मानव अधिकार का बिल्ला लगाया हुआ था, जैसे एक कोई लगाते हैं ना बिल्ला टाइप,
शर्ट पे, ठीक है। उन्होंने दोनों ने अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना अपना क्या करा, समर्थन जताया है। तो ये जो कार्लोस और स्मिथ थे, क्या द्वारा उन क्या अमेरिकी समाज के जो इंटरनल अफेयर्स थे उनको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था, क्या उन्होंने ऐसा सही करा? जो पीटर नामक जो ये वे ना तो अमेरिकी थे ना ही अश्वेत थे, क्यों वो इस तरह के जो ये विरोध हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, उसमें शामिल हो गए वो लोग? क्या आप इस जगह होते तो क्या आप ऐसा ही करते? ठीक है, तो इस चैप्टर में जो इंटरनेशनल ओलंपिक जो संघ हुआ, ठीक है, उसमें कार्लोस और स्मिथ जो थे उन्होंने पॉलिटिक्स जो है वो बयान देने के लिए इस तरह के जो उन्होंने एफर्ट्स डाला है उसमें जो है ओलंपिक जो है भावना उनकी जो वो थी अंदर से जो फीलिंग्स थी उसके विरुद्ध जो है बताते हुए उसको उन्हें क्या करा, दोषी माना गया कि उन्होंने ऐसा क्यों करा, और उनसे जो है ये पदक जो है वो क्या कर लिए गए, छीन लिए गए, ठीक है। और नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत जो है वो चुकानी पड़ी और उनको अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह जो है वो बिल्कुल नहीं दी गई, ठीक है। पर इनके फैसले ने अमेरिका के बढ़ते जो सिविल राइट मूवमेंट था उसके प्रति दुनिया का जो ध्यान था वो खींचने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। जो हाल ही में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर उन्होंने क्या करा, जहाँ ये दोनों पढ़ते थे इन दोनों का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करा, उनको वेलकम करा और यूनिवर्सिटी के भीतर उनकी मूर्तियाँ भी लगाई गई। जब 2006 में नॉर्मन की मौत हुई तो उनकी जो अर्थी थी उसको कंधा देने वालों में स्मिथ और जो कार्लोस भी शामिल थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें डिफरेंसेस सिमिलैरिटीज एंड डिवीजन, कि ये जो आपकी असमानताएं हैं, समानताएं हैं और डिवीजन कि ये क्या है, ठीक है। ये जो हमारा बेटे ऊपर हमने एग्जांपल पढ़ा उसमें जो खिलाड़ी थे उन्होंने सोशल डिवीजन और कैसे सामाजिक जो भेदभाव था, ठीक है, जो भेदभाव था उसको उन्होंने अपने तरीके से कैसे करा, विरोध किया उसका, ठीक है। पर क्या ऐसा विरोध सिर्फ रंग के आधार पर या हमारी नस्ल के आधार पर ही होता है? पिछले जो हमने चैप्टर पढ़े उसमें सोशल डिवीजन के कुछ बहुत सारे एग्जांपल आपने देखे हैं। एग्जांपल जैसे बेल्जियम और श्रीलंका का हमने देखा जिसमें कि रीजनल और सोशल दोनों तरह के लेवल पर जो उनका जो लड़ाई हुई वो इस तरह से हुई। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग जो थे वो अलग अलग भाषाएँ बोलते थे और श्रीलंका में जो ये बंटवारा हुआ वो भाषा और रीजन के दोनों बेस को लेके हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हर सोसाइटी में जो सामाजिक सोशल डिफरेंसेज हैं वो अलग अलग रूप में देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे अब हमने मेक्सिको ओलंपिक की कहानी में काले और गोले का रंग 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 भेद के ऊपर जो था, ठीक है ना, तो और आपने ये बेल्जियम और इसका देखा श्रीलंका का, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो थे बंटवारे, यानी कि अलग अलग इनका क्या होता है डाइवर्सिटी का डिफरेंट डिफरेंट जो है फॉर्म जो है वो सामने आती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक जो ये डिफरेंसेस हैं वो कैसे ओरिजिन, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है, ये कैसे जो है सामने आते हैं। तो जो एक तो देखो जन्म के आधार पर होता है ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो जन्म के ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, जैसे जनरली अपना जो कम्युनिटी चुनना हमारे वश में नहीं होता है, हम सिर्फ इस आधार पर किसी भी खास कम्युनिटी के सदस्य हो जाते हैं जहां हमारा जन्म होता है, जिस भी कम्युनिटी के परिवार में हमारा जन्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। सामाजिक डिफरेंसेस जो है अपने हमारे जो रूटीन की लाइफ होती है या हमारा डेली रूटीन होता है कि जो लगभग हम रोज करते हैं, ठीक है, हमारे आसपास देखते हैं हमारे चाहे कोई वो मेल हो फीमेल हो लंबा हो छोटा हो उसकी स्किन का कलर कैसा भी हो और मतलब ये जो है डिफरेंस अलग अलग है। जैसे सभी किस्म के जो सोशल डिवीजन होता है वो जन्म के आधार पर नहीं होता है, ठीक है ना, यानी कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो जन्म के बेस पे नहीं होते हैं, लेकिन ये जो जन्म के ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ है उसको हम अपने आप नहीं चुन सकते हैं। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपना धर्म चुन लेते हैं, ठीक है ना, और कुछ हम सभी लोग पढ़ाई के विषय जैसे हम पढ़ रहे हैं हम अपने सब्जेक्ट चुनते हैं, अपना बिजनेस चुनते हैं, अपना खेल चुनते हैं, कल्चर एक्टिविटीज़ जो हैं उनका चुनाव करते हैं, अपनी पसंद से करते हैं, ठीक है। तो सबसे जो है
इसकी बेस पर जो है क्या बनते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, सोशल ग्रुप बनते हैं, और ये जो है ये जो ग्रुप बनते हैं वो जन्म के आधार पर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो सोशल डिवीजन है, सोशल डिफरेंसेस है, वो सोशल डिवीजन का रूप जो है वो नहीं लेती है, ठीक है। जो सामाजिक आपकी विभिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस हैं, लोगों के बीच बंटवारे का एक बहुत बड़ा कारण जरूर होती है, लेकिन अगर यही डिफरेंसेस कई बार अलग अलग तरह से लोगों के बीच जो है कई बार पुल का काम भी करती हैं, ठीक है। जैसे जो सोशल ग्रुप होते हैं उनके लोग जो हैं अपने जो ग्रुप्स की लिमिटेशन होती है उससे परे जो हैं इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ को फील करते हैं। जैसे आपने कॉलर्स और स्मिथ के जो एफ्रो अमेरिकी थे उनके लिए आपने देखा, ठीक है ना। तो इन तीनों में एक समानता थी कि वे लोग जो हैं नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे, कि जो भी जो है किसी की मतलब कौन से उसमें वो पैदा हुआ है, चाहे काला है चाहे गोरा है, किसी भी है ना जन्म के आधार पर, वो इसके क्या करते थे, बिल्कुल खिलाफ थे। और अक्सर ये देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग जो हैं खुद को एक ही समुदाय का सदस्य भी नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी जाति और उनका जो है अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। और ये भी संभव है कि अलग अलग धर्म जो हैं के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग एक दूसरे के ज़्यादा करीब महसूस करते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट धर्मों के लोग हैं लेकिन अगर एक ही जाति के हैं तो वो खुद को अपने आप ये क्या करते हैं, अपने मतलब उनको ज़्यादा पास महसूस करते हैं, करीब महसूस करते हैं। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज़्यादा जो है वो आपस में उनके संबंध जो है वो अच्छे नहीं हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं, और इस प्रकार जो है हम सभी एक से ज़्यादा जो है हमारी पहचान हो जाती है, ठीक है। इस तरह जो है लोग एक से ज़्यादा सामाजिक ग्रुप्स का हिस्सा जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। और ये जो हमारी अलग अलग पहचान जो है वो इसी का रूप बन जाती है। तो सोशल डिफरेंसेस जो है उसकी ओरिजिन जो है वो आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट बेस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ होती है, अपने अपनी टेस्ट, अपने खेल, अपनी कल्चर एक्टिविटीज़ जो है वो हम अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, लेकिन अपना जो है हम अपना जाति जो है, ठीक है, उसको अपनी मर्जी से नहीं चुन सकते, क्योंकि हमारा जो है जन्म जिस जाति में जिस कम्युनिटी में होता है हम उसी के जो है वो सदस्य बन जाते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।